फाजिलिका गांव से एक बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर 42 वर्षीय जैबुना नाम की महिला ने कुएं में कूदकर इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दोस्तों, मेवात इलाके के ख्वाजलिका गांव से एक बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर 42 वर्षीय जैबुना नाम की महिला ने कुएं में कूदकर इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वहीं आपको बता दें कि जैबुना मिर्जापुर राजस्थान की रहने वाली है और ख्वाजलिका गांव में उसका ससुराल था। आपसी कलह को लेकर के वो इस दुनिया को छोड़कर के हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गई। उन्होंने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। जैसे ही उनके कुएं में कूदने की खबर गांव को लोगों को लगी तो गांव के लोग कुएं के आसपास इकट्ठा हो गए। वहीं इस पूरी घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकाला। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जैबुना के जो मायके वाले हैं वो भी अब ख्वाजलिका गांव पहुंच गए हैं और लगातार अब जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जैबुना किस बात को लेकर के परेशान थी जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया है। खैर, जैबुना के कुएं में कूदकर जान देने की खबर से पूरे मेवात इलाके में दुख का माहौल है और चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिरकार मेवात इलाके के सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार जैबुना के आगे ऐसी कौन सी समस्या थी जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और उन्होंने कुएं में कूद करके जान दे दी है। खैर, ख्वाजलिका गांव में भी पूरी तरीके से मातम पसरा हुआ है। खैर, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले न जाने कितने ही मामले ऐसे सामने आए हैं जब परिवार के दुख से परेशान होकर के लोग अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। वैसा ही कुछ देखने को मिला है ख्वाजलिका गांव में, जहां पर जैबुना नाम की जो महिला है 42 साल उनकी उम्र थी, मिर्जापुर राजस्थान गांव के रहने वाली थी और कहीं ना कहीं अपने घर के कलह के चलते वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गई। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।